हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एसकेजे ट्रिक्स। दोस्तों, आज हम आपके लिए फ़िलहाल में ही 3 फरवरी 2019 को जो लैब असिस्टेंट का पेपर हुआ है उसका पूरा सॉल्यूशन लेके आए हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे प्लीज़ लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप हमारा कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस गढ़ को धाराधारगढ़ के नाम से भी जाना जाता है? आपका सही आंसर है चौहूगढ़। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? आपका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, आभानेरी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस संत और रामानंद के शिष्य ने अपने राज्य को त्याग कर गुरु मंडली में सम्मिलित हुए? आपका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, पिपाजी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक देवता गोगाजी के धान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे पाए जाते हैं? आपका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, खेजड़ी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुदरत सिंह को किस हस्तकला में महारत के लिए पद्मश्री से अलंकृत किया गया है? आपका सही आंसर है ऑप्शन सेकंड, मीनाकारी कला। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद शाह और साहिब राम किस राजस्थानी चित्रकला शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे? आपका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, जयपुर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादू और उनके शिष्यों की रचनाएं अधिकतर किस भाषा में पाई जाती हैं? आपका सही आंसर है ऑप्शन सेकंड, ढूंढाड़ी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको मैच द कॉलम दिया गया है जिसमें से आपको सही सुमेलित करना है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है जसनाथ जी, ये हो जाएगा कातिया सर बीकानेर, यानी कि फर्स्ट से जो मिलेगा वो फोर्थ हो जाएगा। फिर है दूसरा शीतला माता, शीतला माता जो है वो है चाकसू जयपुर में। और तीसरा ऑप्शन है जाम्बोजी, इसका जो ऑप्शन है सही वो है ऑप्शन थर्ड, मुकाम नोखा। और जो फोर्थ ऑप्शन है जीण माता, ये है रेवसा सीकर में। तो आपका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन फर्स्ट। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चेतर शुक्ल पाँच को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? आपका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, नाथ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत पीर शाह अली और तुकनगीर ने 400 साल पहले मेवाड़ में किस ख्याल की रचना की? आपका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, तुर्रा कलंगी ख्याल। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक राजस्थान का मंदिर सही सुमेलित है? आपका सही आंसर है ऑप्शन फोर्थ, करणी माता मंदिर, जो कि देशनोक बीकानेर में है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में अजमेर के विलय के समय वहाँ का मुख्यमंत्री कौन था? आपका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, हरिबाहू उपाध्याय। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कोटा के 1857 के विद्रोह का नेता था? आपका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, जयदयाल। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफीम से संबंधित रॉयल कमीशन निम्न में से किस वर्ष में राजस्थान आया था? आपका सही आंसर है ऑप्शन सेकंड, 1893 में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? इसमें जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन फर्स्ट, रामनारायण चौधरी। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, भगत आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन फोर्थ, गुरु गोविंद गिरी के द्वारा।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्य संघ का कौन सा राज्य जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ विलीनीकरण के लिए तैयार था? आपका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, धौलपुर। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, मई 1947 को कालीबाई अपने अध्यापक को मुक्त कराने के दौरान पुलिस की गोलियों द्वारा भून दी गई, वह किस जिले की थी? आपका सही आंसर है ऑप्शन सेकंड, डूंगरपुर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन थी? आपका सही आंसर है ऑप्शन फोर्थ, रमा देवी पांडे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर सतसई, बल्वदिलास और रामराज जाट के लेखक हैं? आपका सही आंसर है ऑप्शन सेकंड, सूर्यमल मिश्रण। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागौर भीलवाड़ा जिले की नदी के कांठे पर स्थित है? आपका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, कोठारी नदी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनाल में सुहवेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था? आपका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, पृथ्वीराज सेकंड ने। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मंडोर के प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी देता है? आपका सही आंसर है ऑप्शन सेकंड, घटियाला अभिलेख। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से शासक ने अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए? आपका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, रणथंबोर के राव सुरजनहाड़ा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा महल की पहली मंजिल का नाम क्या है? आपका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, रतन मंदिर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन फोर्थ, डूंगरपुर, बाणगंगा, मोरेल सही सुमेलित नहीं है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपेन वर्गीकरण के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा डूंगरपुर जिले के लिए है? आपका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, AW। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में वार्षिक वर्षा में अधिकतम विषमता पाई जाती है? आपका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, जैसलमेर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र पर निम्नलिखित में से कौन सी मृदा पाई जाती है? आपका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, एरिडोसेल्स एवं एंटीसोल्स। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा 2017-18 के अनुसार राजस्थान में राष्ट्रीय बागवानी मिशन के लिए चयनित जिलों की संख्या है? आपका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, 24। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कामधेनु नदी भी कहलाती है? आपका सही आंसर है ऑप्शन सेकंड, चंबल। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा एक राजस्थान के गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है? आपका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, बूंदी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी ऊंट का वैज्ञानिक नाम है? आपका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, कैमिलस ड्रोमेडेरियस।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता किस योजना का लक्ष्य था? आपका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, तृतीय पंचवर्षीय योजना। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना स्थित है? आपका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, डूंगरपुर में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हनुमानगढ़ व चूरू जिलों के लिए जल का स्रोत है? आपका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा एक राजस्थान में अजमेर को बीकानेर से जोड़ता है? आपका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, NH-89। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन में राजस्थान का भारत में पहला स्थान है? ये क्वेश्चन 2016 में भी लेब असिस्टेंट की एग्जाम में पूछा गया था, जिसमें 5 स्टेटमेंट दिए गए थे, उसके माध्यम से ये पूछा गया था। आपका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, फेल्सफार। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार राजस्थान राज्य के पंजीकृत वन क्षेत्र का निम्नांकित में से कौन सा प्रतिशत अंश आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत आता है? आपका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, 38.11। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरगढ़ वन्य जीव क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? आपका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, 12। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासियों के हरे सोने के नाम से जाना जाने वाला वृक्ष है? आपका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, बांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? आपका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, 16 सितंबर को। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्लू बेबी सिंड्रोम से संबंधित है? आपका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, नाइट्रेट। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में थार मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्रफल व जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? आपका सही आंसर है ऑप्शन सेकंड, क्षेत्रफल है 61% और जनसंख्या है 40%। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडक्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार है? आपका सही आंसर है हिंदूमलकोट गंगानगर से बाखासर बाड़मेर तक। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का देशांतर विस्तार है? आपका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर पर्वत चोटी की ऊंचाई क्या है? आपका सही आंसर है ऑप्शन सेकंड, 1597 मीटर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्न जिलों में से कौन से एक जिले की अरावली पहाड़ी का विस्तार नहीं है? आपका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, जालौर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुलवारी की नाल स्थित है? आपका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, उदयपुर में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आपका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, नागपानी अरावली दर्रा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि साइंस से रिलेटेड है वो हम आपको कल सुबह प्रोवाइड करवा देंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।